हेलो फ्रेंड्स, चाय पिलो आई मीन बनाना शेक पी लो। तो मैं आज आपको बनाना शेक बनाना सिखाऊंगा। इसके लिए आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, मेनली केला। बनाना शेक में बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बिना बनाना के आप बनाना शेक नहीं बना सकते, शायद बना सकते हैं, पता नहीं। इन बनाने के साथ थोड़ी चीनी और ये बादाम उफ आलमंड्स, और इनको मैंने थोड़ा काट लिया, कुछ कुछ को काट लिया, कुछ नहीं काटे। और जैसे क्या देख सकते हैं, काजू, इनको भी मैंने काट लिया है, कुछ कुछ को काट लिया, मतलब सारे नहीं काटे, बीमर से कटे नहीं। एक जार, एक मिक्सी, थोड़ा दूध, दूध भी दिखा देता हूँ, सफ़ेद वाला, सफ़ेद ही होता है, लग गया था। अच्छा, और बस एक गिलास पीने के लिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जार लेंगे और अपने केले लेंगे चिटका भरे से। अगर ज़्यादा केले हैं तो एक बनाते बनाते आप खा भी सकते हैं। केला गॉन, छिलका साइड में गॉन, अनदर केला, ये भी गॉन साइड में छिलका, और अब इसमें थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा, बस चीनी, ज़्यादा चीनी मत डालिएगा क्योंकि बनाना शेक में कोई फ़ायदा नहीं है कुछ। थोड़े से आलमंड, बाकी अपन गार्निशिंग में डालेंगे, और महंगी चीज़ काजू, ये भी थोड़े से डालेंगे, बाकी गार्निशिंग में डालेंगे, वरना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता। और दैट्स इट आई गेस। इसको लगा देंगे ईजिली, बच्चे के लिए मिक्सी से दूर रहें, ये बहुत डेंजर चीज़ होती है। अब मैं आपको एक नई ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप बिना ग्राइंडर के ही बना सकते हैं बनाना शेक को। यूँ यूँ इसको हिलाएं, नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, ग्राइंडर यूज़ करें। अब अपन ने ग्राइंडर में इसको अटैच कर दिया, अब जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे करें। अपने मुँह से आवाज निकालें, घर काम ना करे तो बटनों का इस्तेमाल करें। और थोड़ी देर रुक जाए, खोल के देखें, केले शेक वाली स्मेल आ रही है। अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे तो इसमें आप थोड़ा सा और दूध डाल दीजिए। ये बात, फिर से थोड़े से आलमंड, थोड़े से काजू, और फिर से मेरी तरह ढीठ ना बने और मिक्सी को बहुत ज्यादा देर तक ना चलें। खोल के देखते हैं, नाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा केला शेक जैसा लग रहा है, आई मीन बनाना शेक, जो कि मैंने बनाने को यूज करके बनाया। एक और बारी, बस मन की संतुष्टि होने के बाद आप इसे बंद कर सकते हैं। और आप इसके अंदर बर्फ भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी सर्दियों का माहौल चल रहा है, सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो बर्फ ना डालें, क्योंकि बर्फ डालेंगे तो बुखार हो सकता है, तबियत खराब हो सकती है, और बहुत चीज हो सकती है। बस अभी इसको शांति से एकदम प्यार से ऐसा करके निकाल लेंगे कि मिक्सी टूटनी नहीं चाहिए, वरना मम्मी मेरी जान ले लेंगी। और अब चलिए इसको परोस लेते हैं बढ़िया तरीके से। मेरे पास ये वाले कांच के ग्लास थे, तो आप प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा।
बर्फ डाल सकते हैं, मैंने बोला है आप इसमें बर्फ डाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पानी में डालो, पानी में डालो, पानी का दूध डाल लो। ये आपका एक ग्लास, इसको इग्नोर करें, गलती से गिर गई, मैं इतना प्रो भी नहीं हूँ मामलों में। और ये मेरे भाई के लिए, दोनों के लिए ग्लास एकदम बराबर, उसे बराबर नहीं बट ठीक है, सिबलिंग्स में ऐसा ही होता है। तो हाँ, ऊपर से आप थोड़े से मेरे को बोला था जो आलमंड्स क्रश करे थे बिना बात के, उनको यूँ डाल सकते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं। और क्रश्ड काजू जो मैंने करे थे, जो इसमें मिक्स हो चुके हैं बहुत बुरी तरह, बट स्टिल आई फाइंड इट आउट। यस, एक और चीज, अभी इसमें मेन चीज़ एक रह गई थी, ये इलायची शायद से यही है, मुझे तब मालूम नहीं। इसको कोशिश करें कि क्रश करके ऐसे ना ऐसे डाल दें, पता नहीं ऐसी डलती है शायद। और दूसरे वाले में भी इलायची को ऐसे पकड़ें, इसे खोलें, क्रश करें और डाल दें। तो हमारा बनाना शेक उर्फ केला शेक उर्फ दूध का शेक उर्फ मिल्क शेक उर्फ शेक शेक बन के तैयार हो चुका है। तो आप इसको देख के आनंद लीजिए, मैं पी के आनंद लेता हूँ। थैंक यू।